एक्शन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजपुर रोड सिविल लाइन जहां दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री यहां उनका निवास स्थान है। मैं सामने जो बोर्ड दिखा रहा हूं उस सबसे पहले सत्येंद्र जैन, गृह स्वास्थ्य मंत्री गोपाल राय जी, परिवहन मंत्री, ये सभी लोगों का निवास स्थान है। और जो यहां बहुत तादाद के अंदर जो भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ आज इनकी जो मांगें थी जो 45 दिन से लगातार विकास खंड नंबर 2 पर अपनी स्ट्राइक कर रही थी, और परसों इन्होंने स्वास्थ्य विभाग का पुतला भी जलाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस व और संगठनों ने पुतला नहीं जलाने दिया। आज इन सभी जो वर्कर हैं डॉट सेंटर से, NHM, पैरामेडिकल जो डिपार्टमेंट है उससे, आज इनके चेहरों पे एक रौनक खिलता हुआ चेहरा इनका दिखाई दे रहा है। आइए और आगे चलते हैं कि वो अंदर से जो इनके प्रतिनिधि हैं वो क्या जवाब लाते हैं। और कल इनको आश्वासन दिया गया था और आज लिखित आश्वासन देने की बात की है, और मैं ये चेहरे दिखाना चाहूँगा जो आज जो एक खिलते हुए चेहरे इनके नज़र आ रहे हैं। लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार हमेशा लड़ती रहेगी, चाहे गैस टीचर का मामला हो, सबको हक मिले उसके लिए दिल्ली की सरकार जो आपने चुनी वो आज काम कर रही है। आपकी एसोसिएशन उन्होंने बहुत मेहनत के साथ अपनी बात को सरकार और उसमें एक जायज मांग को मानते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। अब इसके लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े हम आपके साथ जाएंगे। कमांडो साहब बहुत जुझारू नेता है हमारे, जो काम उस काम को पूरा करके मानते हैं। हमारी टीम उसका हर मंत्री हर विधायक आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा। अभी कमांडो साहब बता रहे थे केवल तंत्र बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको हमें देनी है उसके लिए भी हम खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय बोल रहे हैं जोर से। भारत माता की जय। भारत माता की जय।